हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल ऑयल एंड फेस सीरम। तो उसमें क्या डिफरेंस है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसका डिफरेंस करने के लिए मैंने गुड वाइब्स के एसेंशियल ऑयल और गुड वाइब्स का फेस सीरम लिया है। और इन दोनों को आप पहचानते ही होंगे। ये तो ग्रेप सीड का ये फेस सीरम है एंड ये है टी ट्री का एसेंशियल ऑयल। आपने ये साइट में देखा ही होगा गुड वाइब्स के। अगर आपने नहीं देखा तो मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। और ये रहा फेस सीरम, इसे भी स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो इन दोनों के प्राइस आपको सिमिलर, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। दोनों सेम रेंज पे आते हैं। कुछ कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कुछ ज़्यादा रेंज में आते हैं। जैसे कि गुड वाइब्स के अलावा ज़्यादा आएगा, जैसे कि गार्नियर। और ये आपको गुड वाइब्स अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, अच्छा ब्रांड है और बहुत ही अच्छा इसके इफेक्ट्स हैं। एसेंशियल ऑयल के बारे में, तो एसेंशियल ऑयल कैसे अप्लाई करते हैं और 100% प्योर इसमें क्यों लिखा रहता है। 100% प्योर मतलब है कि ये कंसनट्रेशन इसका बहुत हाई है और ये 100% एक्सट्रैक्ट से बना है। इसमें कुछ भी डाइल्यूटेड नहीं है। तो आपको हमेशा, अगर आप कैरियर ऑयल यूज़ कर रहे हैं अदर देन फेस, तो आपको यूज़ करना है हमेशा कैरियर ऑयल के साथ। और कैरियर ऑयल के लिए आप बहुत सारे ऑप्शंस ले सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, ये सब आप ले सकते हैं। इसमें 2-3 ड्रॉप ही आपको मिक्स करनी है इसकी एसेंशियल ऑयल की, और बस उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं हेयर्स में, आप अपनी बॉडी में, या फिर अगर आप डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर इसका पैच टेस्ट करें, क्योंकि सब में सूटेबल नहीं होता है। और इसका एक्सेप्शन है कि सेंसिटिव स्किन पे बहुत हार्श होता है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन किसी भी चीज़ को जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती, जल्दी वो रिएक्ट कर देता है, जो कि फिर रेडनेस, रैशेस, ऐसा कंडीशन हमें दिखती है। तो आप पहले पैच टेस्ट करें, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फेस पे यूज़ करना चाहते हैं तो फेस पे कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देती हूँ। और जब हम फेस सीरम यूज़ करते हैं तो हमें कैसे यूज़ करना है। फेस सीरम का सबको पता है कि हमें नॉर्मल फेस वॉश से फेस वॉश करना है, देन टोनर अप्लाई करना है। टोनर के बाद डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं आपकी फेस पे। और अगर आप कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके कुछ हार्श इफेक्ट नहीं है और फेस सीरम 2 ड्रॉप इनफ है फेस के लिए। और अदर देन अगर आप इसे कहीं और यूज़ कर रहे हैं तो भी 2 ड्रॉप इनफ है। और बॉडी पे आपको फेस सीरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फेस सीरम सिर्फ फेस के लिए होता है। तो सिर्फ 2 ड्रॉप इनफ है। वो जो दिखाते हैं मेकअप वीडियो में और बहुत सारे स्किन केयर में कि ये 4-5 ड्रॉप अपने फेस पे मसाज करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 ड्रॉप इनफ होती है किसी के भी। अगर उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है तो आप फिर ले सकते हैं। आपके फेस पे डिपेंड करता है कि उसको कितना नीडेड है, लेकिन 2 ड्रॉप इनफ है अगर आप कोई भी फेस सीरम यूज़ करते हैं। अब चलते हैं एसेंशियल ऑयल पर। तो एसेंशियल ऑयल आपको डायरेक्टली कभी स्किन पे अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको अरोमा चाहिए, अगर इसकी फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप 1 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं अपने हैंड पे और अपने हेयर्स में, लेकिन कभी आप अपने फेस पे यूज़ डायरेक्टली ना करें, क्योंकि इसके हार्श इफेक्ट होते हैं। अगर आप सेंसिटिव स्किन नहीं भी हैं तो भी आपको इससे कूलिंग इफेक्ट, थोड़े से इरिटेशन, इचीनेस ऐसा फील हो सकता है। और इसकी अरोमा इतनी इतनी कंसनट्रेटेड है, इतनी हाई है, मतलब अगर वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही वो एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में आ जाता है, वैसे ही फैल जाता है। और बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस आपको किसी भी एसेंशियल ऑयल की मिलती है। तो इसीलिए कैरियर यूज़ करते हैं कैरियर ऑयल। अगर आप इसे डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप फेस वॉश करना है, फिर उसके बाद टोनर अप्लाई करना है, देन उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अगर आप सीरम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप सीरम नहीं भी कर रहे हैं तो सीरम सीरम की जगह में रहेगा, फिर मॉइस्चराइज़र रहेगा। मॉइस्चराइज़र के बाद जो आती है बारी वो आएगी एसेंशियल ऑयल की, क्योंकि आप डायरेक्टली फेस पे नहीं कर सकते। तो भी आपको 1 ड्रॉप इनफ है पूरे फेस के लिए, क्योंकि इतना ये कंसनट्रेटेड रहता है कि आप को पूरे फेस में लगाते टाइम पूरा एरोमा फील होगा। बहुत ही हाई परफ्यूम रहेगा आपके सराउंडिंग में और बहुत ही जल्दी इसका वेपर कन्वर्ट होता है, बहुत ही एरोमा सराउंडिंग में फैल जाता है। ये
थे कुछ इसके डिफरेंस। और एसेंशियल ऑयल इतना एसेंशियल क्यों होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये अगर ब्लैक हेड से बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है तो आपके लिए एसेंशियल ऑयल बहुत ही अच्छा है, वरदान टाइप का। लेकिन अगर आप इसके ये सब आप फेस नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मली किसी भी फेस सीरम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फेस सीरम स्पेसिफिक काम के साथ आता है, जैसे कि जैसे आप देख सकते हैं ये फेस टाइटनिंग के लिए आया है। फेस टाइटनिंग के लिए मैंने यूज़ किया, इससे पहले मैंने रोज हिप यूज़ किया था, वो भी बहुत अच्छा था, वो जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता था, उसकी कंसिस्टेंसी ठीक थी। दैट्स वाई मैं 3 ड्रॉप्स उसे यूज़ करती थी और इसे 2 ड्रॉप्स करती हूँ, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थी ना और बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो नॉट मोर देन 3 ड्रॉप्स आपको फेस पे, 3 ड्रॉप्स से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ हुआ इन दोनों का, लड़ाई बंद, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कौन किसके काम आता है। तो आपको जो काम जिससे लेना है उसी से वो काम लीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये पूरा काम कर देगा, आप ये मत सोचिए कि ये पूरा काम कर देगा। और इसके अरोमा की वजह से ही हम इसे पेरस में फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ करते हैं, एज वेल एज ये थोड़ा पेन रिलीफ भी करता है, क्योंकि इसकी जो अरोमा है बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप को कोई भी तरह का पेन, एक्ने, ऐसा कुछ मतलब पेन या एक हो रहा है, हेडेक, स्टोमक एक, जो भी हो रहा है, तो ये बहुत उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसकी जो अरोमा है बहुत ही ज़्यादा गुड है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी है। अगर आप पेन में यूज़ करते हैं तो आपको जल्दी नींद आ जाती है, रिलैक्सिंग फील होता है, तो आप डेफिनेटली इसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास दोनों होना चाहिए, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता, तो लेकिन काम पता होना चाहिए कि कौन किसका काम है। तो ये स्पेसिफिक काम के साथ आता है फेस सीरम, तो आप एक चीज़ पे फोकस करो। तो ये है के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो ये है आपके पास एसेंशियल ऑयल टी ट्री का। और इसमें 2-3 और आते हैं, तो आप रेंज चेक कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हैं और उसे परचेज भी कर सकते हैं। तो दोनों का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी और इसके ऑप्शंस का भी कर दूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।